हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ज़ीरो नंबर कान्हा जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी ज़ीरो नंबर साइज के लिए, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ज़ीरो नंबर साइज के लिए ये पोशाक बनाई है बहुत ही इजी और आसान तरीके से। तो वीडियो को गाइस लास्ट तक देखें, पूरा देखें। आप लोग वीडियो को बीच में ही स्किप करके देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता है, फिर आप पूछते हो ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें गाइस। और ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर डोरी से, ये देखिए हमने चोली पहना दी है और डोरी को इस तरीके से हल्का सा हम नॉट लगाएंगे। और ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम इसे पहना भी सकते हैं। और नवरात्रि के लिए बनाइए या फिर दशहरा के लिए बनाइए या फिर आप दिवाली के लिए इस पोशाक को बनाइए कान्हा जी के लिए। और बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी हमारी इसकी पगड़ी भी है, बहुत ही सिंपल वे में हमने इसे लेस लगाकर बनाया है कान्हा जी के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर कितने प्यारे हमारे इसमें बाल गोपाल जी लग रहे हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। तो ये देखिए गाइस मैंने इसके लिए यहाँ पर ग्रीन कलर का फैब्रिक लिया है, प्रिंटेड ग्रीन कलर का फैब्रिक हमने यहाँ पर लिया है। तो बहुत ही प्यारा सा हमारे पास ये फैब्रिक है, आप कोई भी फैब्रिक इसके लिए ले सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर प्लेन फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो मैंने इस फैब्रिक की जो चौड़ाई ली है वो 4.5 इंच ली है। ये पोशाक हमारी 00 और 0 नंबर के लिए और 1 नंबर के लिए है। तो ये देखिए 4.5 इंच ली है। और यहाँ पर जो मैंने इसकी लंबाई ली है तो ये देखिए 22 इंच ली है, लंबाई हमने यहाँ पर 22 इंच ली है इसकी। ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पर ली है ये चोली, तो चोली की जो हमने लंबाई ली है वो 5.5 इंच ली है इस तरीके से, और इसकी जो हमने यहाँ पर चौड़ाई ली है वो 2.5 इंच ली है। तो ये देखिए इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में ये देखिए हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार और फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड करेंगे टोटल मिला के, और इस तरीके से हाथ से अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में बहुत छोटी सी हमें यहाँ पर नेक कट करनी है क्योंकि हम ये 0 नंबर के लिए बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी एक फिंगर चली जाए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर नेक कट की है। अब ये देखिए गाइस मैं यहाँ पर इसमें आल पिंसेस को सिक्योर कर देती हूँ। ये देखिए क्योंकि ये थोड़ा चिकना सा फैब्रिक था तो मैंने इसमें 2 से 3 आल पिंसेस को सिक्योर कर दिया है। तो ये हमारी हो गई है चोली की कटिंग। तो चोली की कटिंग करने के बाद में ये देखिए गाइस मैंने लिया है यहाँ पर पगड़ी के लिए फैब्रिक, तो मैंने 2.2 इंच इसकी चौड़ाई ली है फैब्रिक की, और यहाँ से हम लंबाई देखें तो 10.5 इंच इसकी हमारी लंबाई है। तो ये हमारा पगड़ी का फैब्रिक हो गया है। 2 पीसेस लिए हैं अपनी डोरी को लॉक करने के लिए, जिनकी लंबाई चौड़ाई है ये देखिए 2.5 इंच, 2.5 इंच लंबाई है और 2.5 इंच चौड़ाई है। साथ ही मैंने ये नेफा बनाने के लिए पट्टी ली है जिसकी लंबाई 6.5 इंच है और चौड़ाई गाइस यहाँ पर 1.5 इंच है। तो इस तरीके से हमने ये नेफा बनाने के लिए पट्टी को लिया है। साथ ही गाइस मैंने इस तरीके से रंग बिरंगी यहाँ पर लेस ली है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस ले सकते हैं। तो अब ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पर फैब्रिक को अपने इस तरीके से लेना है। ये देखिए ये हमारी चोली का फैब्रिक है, ये हमारा घेर है। तो पहले हम घेर रेडी करेंगे, तो इस तरीके से हम इसको उल्टी साइड से रखेंगे और इसकी दोनों साइडों को स्टिच करेंगे। ये देखिए हम यहाँ से इसकी दोनों साइडों को बराबर से स्टिच करेंगे। ये देखिए गाइस दोनों साइडों को स्टिच करने के बाद में हमने इसको इस तरीके से खोल लिया है। सीधा खोलने के बाद में लगाएंगे हम एक सीधी सिलाई। ये देखिए हमने यहाँ पर दोनों फैब्रिक को सेट करने के लिए एक सीधी स्टिच लगा दी है। अब हम इसकी साइड में भी सिलाई लगाएंगे और अपनी लंबाई में भी इस तरीके से एक सीधी स्टिच लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा फैब्रिक इक्वल अच्छे से सेट हो जाएगा। सिलाई लगाने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसमें लेसेस लगानी है। तो जो भी लेस आपके पास हो आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये रंग बिरंगी वाली लेस ले रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी सी मैंने यहाँ पर ये लेस ली है, काफ़ी सुंदर हमारी पोशाक बनकर रेडी होगी। गाइस अगर आप मुझसे कोई भी ड्रेस परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मैंने काफ़ी वीडियोस में अपना नंबर दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पर लेस लगा दी। अब मैंने यहाँ पर ली है मिरर वाली दूसरी लेस, तो मैं इसको इसके पास ही लगाऊंगी क्योंकि इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, 0 नंबर की ड्रेस है। अगर आप बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 से 2 इंच छोड़कर भी लेस को लगाओगे तो गेटअप काफ़ी और ज़्यादा सुंदर आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें अब क्या करना है, अपनी लेस को स्टिच करना है। तो ये देखिए मैंने एक साइड सिलाई लगाई, मिरर वाली लेस है तो हमने बीच में सिलाई नहीं लगाई थी, तो इसमें एक सिलाई और लगा देते हैं साइड में। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में यहाँ से धागों की कर देंगे फिनिशिंग। फिनिशिंग करने के बाद में गाइस कुछ इस तरीके से हमारी ये देखिए फैब्रिक आया है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर प्लेटें डालेंगे। तो ना ही तो बहुत हमें बड़ी बड़ी प्लेटें डालनी है और ना ही बहुत छोटी छोटी, इस तरीके से आपको सारी प्लेटों को इक्वल अच्छे से डालना है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आपकी सारी प्लेटें आ जाएंगी। आपको गाइस 3 से 3.5 इंच तक अपनी कान्हा जी की, ये देखिए क्योंकि ये हैवी पोशाक है तो इसमें कम से कम 3 से 3.5 आपको कमर लेके आनी है। अगर कॉटन की पोशाक होती है तो गाइस 2.5 इंच भी काफ़ी रहता है। अब ये देखिए गाइस इसमें सिलाई को हम एक बार फिर से पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद में यहाँ से हम धागे कट कर देंगे। धागे कट करने के बाद ये देखिए
इसकी धागों की हम फिनिशिंग कर देंगे। और यहाँ पर आप अपने कान्हा जी को इस तरीके से एक बार लगाकर पहनाकर भी देख सकते हैं। अब ये देखिए गाइस, मैंने ली है यहाँ पर चोली। तो चोली में हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे सर्किल में। तो ये देखिए, पहले ही हमने इसको आरपिन से सिक्योर कर दिया था और इस तरीके से हमें यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सर्किल में सिलाई लगानी है। सुई को हमें बार बार नहीं निकालना है, सिलाई कंप्लीट होने के बाद ही सुई को हमें निकालना है। और ये देखिए, इस तरीके से हम सारी आरपिन को अपनी हटा देंगे और यहाँ पर छोटे छोटे से लगा देंगे हम कट्स। इस तरीके से कट्स लगा देने हैं। कट्स लगाने के बाद में हम यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा के धागे हैं उनकी फिनिशिंग कर देंगे और बीच से अपने फैब्रिक को कट करके ये देखिए इसको हम सीधा खोल लेंगे। बीच वाला जो हमारी नेक है उसमें से फैब्रिक को निकालेंगे और अपने फैब्रिक को सीधा करेंगे। तो ये देखिए, चाहे तो आप अपने कान्हा जी को इस तरीके से पहनाकर एक बार देख भी सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने डालकर देख लिया। अगर आपको छोटा लग रहा है तो आप इसको फिर से एक बार सिलाई लगाकर बड़ा भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए गाइस, हमें क्या करना है, इसकी चारों साइडों में सिलाई लगानी है, इसको लॉक करना है। तो उसके लिए हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक दोनों साइडों से ये देखिए फोल्ड करेंगे और सिंपल चारों तरफ हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हमने 2 पॉइंट के लगभग यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करना है दोनों साइडों से और सीधी स्टिच लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। ये देखिए, आराम से हो जाएगा। देखिए, हमने एक साइड सिलाई लगाई, सेम इसी तरीके से हम अपनी दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर चारों साइडों को लॉक करना है। बिल्कुल बराबर से हम यहाँ पर अपनी चारों साइडों को लॉक कर लेते हैं। इससे क्या, हमारी धागे रेशे नहीं निकलेंगे। अगर आप डायरेक्ट लेस लगा दोगे तो उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अब मैंने यहाँ पर ली है लेस, तो हम यहाँ पर चारों तरफ लगा देते हैं। ये देखिए, अपनी जो हमने पोशाक में लेस लगाई है ना, वही वाली लेस लगा देंगे तो काफ़ी सुंदर लगेगी। तो ये देखिए, इससे हम इस तरीके से कवर कर देंगे, बाकी एक्स्ट्रा की कट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी चोली कर ली है रेडी, बहुत ही अच्छे से। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया हो। ये देखिए, कितने अच्छे से हमारी चोली यहाँ पर बनी है। तो ये देखिए, हमारी चोली और हमारा घेर रेडी हो गया है। अब हम इसकी पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी बनाने के लिए इस तरीके से हम एक सीधी स्टिच लगाएंगे फैब्रिक को उल्टा करके। ये देखिए, बिल्कुल सीधी हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से सीधी सिलाई लगाने के बाद में धागों को कट कर देंगे और इस तरीके से पेचकस या पेंसिल से आप अपनी पट्टी को खोल लें। खोलने के बाद इसमें हम सीधी स्टिच एक और लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से एक टॉप स्टिच लगा देंगे। फिर इसके बाद लेनी है हमें लेस। आप कोई भी अपनी चॉइस की लेस लगा सकते हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ पर लेस लगा देंगे। लेस लगाने के बाद में ये देखिए गाइस, इसको अच्छे से हम कवर कर देंगे सिलाई से लेस को अपनी। और इस तरीके से हमें यहाँ पर वी शेप में अपनी पगड़ी को ये देखिए बनाना है। तो कान्हा जी को इस तरीके से आप लगाकर देख सकते हैं और यहाँ पर आप सिलाई लगा दें। ये देखिए, इस तरीके से हमने दोनों साइड सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा के धागों को हम कट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद में ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने अच्छे से अपने सारे धागों को फिनिश कर दिया है। अब ये देखिए गाइस, इस तरीके से हम इनको पीछे निकालेंगे एक्स्ट्रा के फैब्रिक को अपने, जो हमारी दोनों पट्टियाँ हैं। ये देखिए गाइस, इस तरीके से हम दोनों पट्टियों को अपनी पीछे की साइड निकालेंगे। पीछे की साइड निकालने के बाद में हाथ से अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। चाहे तो आप यहाँ पर हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से मशीन से भी। तो ये देखिए गाइस, हमारी यहाँ पर पगड़ी हो गई है रेडी। ये देखिए, जितने भी एक्स्ट्रा के फैब्रिक हैं उसको कट कर देंगे इस तरीके से। तो हमने फैब्रिक को कट कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर फिर से एक बार सिलाई लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से इंटरलॉक भी कर सकते हैं। तो ये हमारी पगड़ी इस तरीके से रेडी हो गई है। साथ ही अब हम ये देखिए, हमने इसमें नेफा नहीं बनाया था, तो अब हम इसमें नेफा बनाएंगे अपने घेर में। तो इस तरीके से पट्टी को हम अपनी पट्टी को रखेंगे और सिंपल एक सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने सीधी सिलाई लगाई, यहाँ से धागों को निकाल देंगे। हाफ इंच छोड़कर हमने ये देखिए पट्टी को अपनी लगाया है। दोनों साइडों से हाफ हाफ इंच हमें फैब्रिक रखना है। इस तरीके से हम फैब्रिक की एक बार थोड़ी सी कटिंग कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा है। और मैंने अपनी डोरी मर यहाँ पर जो हमने 2.5 इंच के पीस कट किए थे उसमें लटकन लगा ली है बनाकर। इस तरीके से अपनी डोरी को रखेंगे और ये देखिए फैब्रिक को अंदर फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। डोरी को इस तरीके से रखेंगे और सिंपल सीधी सिलाई आपको लगानी है। हाफ इंच फैब्रिक जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको अंदर फोल्ड करेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो हमारा नेफा हो गया है कंप्लीट। और ये देखिए गाइस, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी चोली लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसका बीच सेंटर निकाल कर चोली को अपनी स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें क्या करना है, बिल्कुल बीच में
इस तरीके से अपनी चोली को रखना है और स्टिच कर देना है। तो हमारी यहाँ पर पोशाक हो गई है रेडी। मैंने आपको पगड़ी बनाना, पोशाक बनाना बहुत ही इजी वे में, सिंपल वे में बनाया बताया है, तो इजीली बनाइए और पहनाइए अपने कान्हा जी को ये फेस्टिवल पर ब्यूटीफुल सी ड्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।